स्टेशनरी और प्रिंटिंग सामग्री की आपूर्ति के बगैर ही 67 लाख रुपए का भुगतान किए जाने के मामले को लेकर मनपा में खलबली मची हुई है। मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी भी संबंधित प्रकरण में खुद ही पड़ताल में जुटे हुए हैं, जिसकी शिकायत सदर पुलिस थाने में की गई है। सदर थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक विनोद चौधरी द्वारा बताया गया है कि मनपा द्वारा कुछ दस्तावेज प्राप्त होना बाकी है। जैसे ही दस्तावेज प्राप्त होंगे, पुलिस तुरंत इस मामले की जाँच करेगी। एनएमसी घोटाले मामले में सदर पुलिस को एक दिन पहले देर रात शिकायत मिली है, लेकिन कुछ जरूरी दस्तावेज अभी मिलना बाकी है। जब पूरे दस्तावेज प्राप्त होंगे तो आगे की कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाएगी। ऐसी जानकारी सदर पुलिस थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक विनोद चौधरी द्वारा दी गई है। परवा उशिरा रात्री आम्हाला तक्रार प्राप्त झालेली आहे आणि त्या संबंधाने आम्हाला अजून त्यांच्याकडून संपूर्ण कागदपत्र अजून प्राप्त होणे बाकी आहे। त्यांच्याकडून संपूर्ण कागदपत्र प्राप्त झाल्यावर आम्ही त्वरित लवकरात लवकर चौकशी करून आम्ही त्याच्यामध्ये FIR दाखल करू। जे काही कायदेशीर निष्पन्न होईल त्याप्रमाणे आम्ही कायदेशीर कारवाई आम्ही करू। याच्यामध्ये वरिष्ठांनी पॉलिटिकलचा दावाचा काही प्रश्नच नाही आहे। अजून आम्हाला NMC कडून जे आम्हाला कागदपत्र पाहिजे ते संपूर्ण कागदपत्र अजून आम्हाला प्राप्त झालेले नाही आहेत। ते संपूर्ण कागदपत्र आम्हाला प्राप्त झाल्यानंतर जे कायदेशीर कारवाई होईल त्याचप्रमाणे आम्ही लवकरात लवकर आम्ही ते कायदेशीर कारवाई आम्ही करू। मनपा में हुए स्टेशनरी घोटाले में जांच के बाद अधिकारियों और एजेंसियों की जानकारी उजागर हुई है, जिसकी शिकायत सदर थाने में की गई है, लेकिन पुलिस को मनपा की ओर से कुछ दस्तावेज प्राप्त नहीं हुए हैं। जैसे ही दस्तावेज मिलेंगे पुलिस तुरंत जांच करेगी, ऐसा पुलिस द्वारा कहा गया है। लेकिन अब देखना यह होगा कि इस मामले में आगे कौन सा मोड़ आता है और दोषियों पर कार्रवाई होती है या नहीं। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ क्षितिजा देशमुख BCN न्यूज़ नागपुर।